तो फ्रेंड्स, हमारे सैमसंग का फोन है J7 Prime SM G610F/DD। आज हम सीखेंगे कि इसका हम फालतू लॉक कैसे हटा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ मैं, ये लॉक्ड है। यहाँ बता रहा है कि आपको वही अकाउंट डालना पड़ेगा जो पहले डाले थे आप। मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बताओ आपको कैसे ठीक करना है। अब पहले बैक कर लीजिए पूरा। यहाँ पर आ गया इसका जो ये है, तो 3 बार दबाइए जल्दी जल्दी। इस टाइप का कुछ खुल जाएगा। कहते आप एल बनाइए, स्वाइप करके एल बनाइए, स्वाइप करके जस्ट ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे सेटिंग वगैरह देखिएगा, टॉकबैक का सेटिंग पे एक बार क्लिक करके 2 बार क्लिक कीजिए। ये आपको यहाँ पे आ जाने पर 2 फिंगर से स्क्रॉल करना है। इस तरह से तो लास्ट में आना है। यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक दिया हुआ है, एक बार क्लिक करके 2 बार क्लिक करें खुल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक बार क्लिक करके 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करें। यहाँ YouTube का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप फिर दोबारा इस बटन को 3 बार दबाइए, इसे डिसेबल कनेक्टेड टॉकबैक को 3 बार दबाइए। फिर यहाँ पे YouTube को प्ले कीजिए। यहाँ पे चालू हो गया है, तो आप यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 3 बिंदी है, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट यूट्यूब खुल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे सा वीडियो पे बिलीव ही नहीं करता था, लेकिन मैंने जब खुद करके देखा मैं चौंक गया कि हाँ ऐसा भी होता है। अब साइड में करके इधर साइड कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी में जाइए, डायरेक्ट ये ब्राउजर में आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कीजिए, टैब्स में जाइए, न्यू टैब खोलिए, फिर यहाँ पे आप लिखिए शॉर्टकट मेकर। मेकर एपीके पे सर्च कीजिए, फिर डाउनलोड शॉर्टकट मेकर को क्लिक कीजिए, या लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कीजिए, या फिर डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। कुछ समय में ये डाउनलोड हो जाएगा। स्टार्टिंग डाउनलोड लिखा गया है, बुकमार्क्स आ जाना है हमको, साइन इन करेंगे वो। तो यहाँ हमें डाउनलोड हिस्ट्री पे क्लिक करना है, कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है वो यहीं पे है, तो हमें इसे क्लिक करना है। फिर हमें सेटिंग बता रहा है, ऑन करना पड़ेगा अननोन रिसोर्सेज से इंस्टॉल करने के लिए। हाँ, क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर इंस्टॉल कर दीजिए। ऐप इंस्टॉल हो गया, फिर ओपन कर दीजिए। यहाँ पे, यहाँ पे आप सर्च मारिए सेटिंग, सेटिंग सर्च मार लीजिए, फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ करके ट्राई पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तरीका 100% काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँ। आप ऐप्स में जाइए, अभी यहाँ पे आपको फिर गूगल देखना है, गूगल कहाँ लिखा है, ये रहा गूगल लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाइए, फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिए, आई पे क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा, फिर फिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सर्च मारिए कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर वाला तरीका है जिससे हम इसको ठीक करेंगे। कैलकुलेटर सर्च मारिए, यहाँ पे आ गया कैलकुलेटर, तो क्लिक कीजिए, फिर इस टाइप का ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर कोड डालना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस टाइप का कुछ कोड है ये, ब्रैकेट प्लस 300120127 82 प्लस।
ये डी आर पार्सर मोड आ जाएगा। यहाँ वो कोड डालना है *0808, फिर हैश डालना है। यहाँ पर इस टाइप कुछ ऑप्शन आएगा, तो अभी आपको फ़ोन का USB डिबगिंग ऑन करना है ताकि हम इसे स्किप कर सके एक सॉफ्टवेयर के जरिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर रिबूट करना है। इसको रिबूट हो जाने दीजिए। रिबूट हो रहा है फ्रेंड्स, फील फ्री टू कमेंट, आराम से मुझे कमेंट कीजिए जो आपके मन में डाउट है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये फ्रेंड्स हमारा फ़ोन चालू हो चुका है, तो अभी आप इसे स्टार्ट करके जैसे सेटअप करते हैं नॉर्मल सेटअप कर लीजिए। अभी वाईफाई से इसे कनेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिए, एडिट टू ऑल, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे हम आ चुके हैं, अभी हम डाटा केबल कनेक्ट कर लेंगे अपने फोन में। यह हमारा डाटा केबल, ये हम फोन में कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने कनेक्ट कर लिया, और एक को हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे USB डीबगिंग का ऑप्शन आने लगा है। यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, नहीं तो ऑलवेज क्लिक अलाउ पे करके ओके कर दीजिए। ये आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन मानना है, और एक सॉफ्टवेयर का लिंक मैं दे दूंगा आपको, उसी सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। आप देखिए सैमसंग है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लिंक ये ऐसा कुछ इस टाइप का सॉफ्टवेयर है। राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करना है। यहाँ पे मॉडल यहाँ पे रिमूव FRP करना है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा आपको, ये डन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके हम देख सकते हैं हमारे फोन लॉक खुल चुका है फ्रेंड। फर्स्ट टाइम तो ये उसी पेज पर रहेगा, एकदम बैक कीजिएगा पूरा, फिर स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पूरा नया जैसा आएगा, स्किप करने के सारा ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।